मॉर्निंग हरे कृष्णा। और अभी बस आज मेरा पैर की हालत थोड़ी सी ठीक है, मतलब 100 में से 30% जैसे कल था वैसे आज है थोड़ा, पर पेन थोड़ा कम है। देखो ऐसे स्वेलिंग आ रखी है पैर में ना, तो जैसे मैं क्या करती हूँ थोड़ा वो जेल लगाकर थोड़ी पट्टी बांध लेती हूँ तो उससे ईजी रहता है। और कल जैसे थेरेपी करवा के आई थी ना तो उससे और मुझे रिलीफ मिल रहा था। तो बस अभी खाना बना रही हूँ, हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो, और बस आज भी रेस्ट ही करूँगी पूरा दिन, तब जाकर ठीक होगा ये। तो पता नहीं बैठे बैठे मेरे क्या हो गया था। और कल 2 दिन 3 दिन तो ना इतना ज़्यादा पेन था इसमें, बियरेबल भी नहीं था, बहुत ज़ोर से था, मतलब बिना रोए मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे इतना ज़्यादा पेन था। तो अब तो काफ़ी मतलब पेन आज इतना नहीं है, है बट उतना ज़्यादा नहीं है, बियरेबल है आज पेन। तो बस उस पेन में तो मेरे को नींद आ रही थी और कुछ भी नहीं। मेरे को कल फास्ट था बट मुझे एक टाइम भी एहसास नहीं हुआ मैंने कुछ खाया नहीं है, मतलब पूरा दिन मैंने बिना कुछ खाए निकाल दिया बट मेरे को 1 मिनट भी भूख नहीं लगी पेन के वजह से। तो बस अब मैं ना खाना बना रही हूँ, अब फिर खाना खाऊंगी नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। कान इधर देखो जरा, अब पढ़ाई करेंगे आज? ट्रैक पे आ जाओ बाप, बहुत दिन हो गए। ट्रैक पे ट्रेन चले नहीं चले आपको जरूर आना, ट्रैक पे आपको भी चलना पड़ेगा, समझ में आ गई आपको? भूल जाओ भी ये सब टॉयज, आप पढ़ाई करो आज चल के। नहीं नहीं, नहीं कर लिया आपने? नहीं, यस। आज आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? हर 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 महादेव। कहाँ पर लिखा हुआ है? राह पे देखो ये तो लिख रहा हूँ, लिखा हुआ है। अच्छा कैसे, क्या होता है हर हर महादेव? हर हर शंभू। हर हर शंभू कौन होते हैं? शंभू और महादेव जी। महादेव जी शिव जी होते हैं। क्या पूजा करनी पड़ती है क्या फिर उनकी? हाँ जी। क्या है वो, राक्षस हैं कि देवता हैं? देवता है। अच्छा अच्छा, राक्षस तो दूसरे होते हैं। अच्छा देखो, और ये बताओ हनुमान जी की, ये कौन है? हनुमान जी। फिर इनसे क्या करते हैं? ये राक्षस को मारते हैं। मारते हैं फिर? और ये ऐसे भी कर देते हैं। हैं? हाँ जी, ऐसे राउंड राउंड घूम के। अच्छा जी, बाबा ऐसे। ओहो हो, इतनी सारी फाइटिंग आती है क्या इनको? यस, इतनी सारी। आपके फेवरेट है क्या ये? हाँ जी, ये छोड़ो। क्या बोलते हैं ये? यस बोलते हैं कि कैसे, इनमें पावर कैसे आती है, क्या बोल के आती है? ये बोल के आती है जय श्री राम। जय श्री राम बोल के आती है। हाँ जी। लंगड़ा लंगड़ा के चल रही हूँ, 4 डेज हो गए हैं आज, पैर में इतना दर्द हो रहा है, मतलब अभी भी मैंने ना ये इस तरीके से पट्टी करी हुई है तब जाकर थोड़ा रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा है आज। तो फिर भी मच बेटर है, बाकी के जो 3-4 दिन निकले हैं ना मेरे, बहुत गंदे वाले निकले। अब मैं वैदिक का बना दूँगी खाना ताकि वो अपना लंच कर ले, 10 बज रहे हैं अभी, हमारा लंच का यही होता है 10 बजे लंच हो जाते हैं हमारे यहाँ, भूख ही नहीं लगती उसके बाद मुझे तो। और वैदिक भी बहुत कम ही खाता है, फिर इवनिंग में ही खाते हैं हम लोग। बीच में मैंने आज गौन कतीरा भिगोया हुआ है, बस गौन कतीरा खा लूँगी। कपड़े रख के आई हूँ, उनको समेटती हूँ जाकर, कपड़े पड़े हुए हैं जो वहाँ से माँ ने दिए थे वो भी हैं, उसमें एक दो साड़ी हैं जो आपको मैंने नहीं दिखाई थी, अभी आज अच्छे से दिखाती हूँ रूम में जाके, इसको खाना बना दूँ। अभी मैं खा रही हूँ गौन कतीरा, ये वाला गर्मियों में बेस्ट मेडिसिन है, आपके बॉडी को ठंडा रखता है, बहुत अच्छा है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आपको बताया है, मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ, जिस तरीके से मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स या कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ का रिव्यू करती हूँ तो वो बना दूँगी। आपके स्किन को शाइनी बनाता है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, खाओ फिर पता चलेगा। पिंपल्स है ना जिसको स्पेशली, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, आप खा के देखो, 7 दिनों के अंदर आपके पिंपल्स गायब हो जाएंगे आपके स्किन से। और ठंडा ठंडा खाने में ना बहुत मज़ा आता है मुझे, इसको फ्रिज में रख देती हूँ बना करके, और फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लो थोड़ा सा, और चीनी डाल लो या फिर मिश्री खांड जो भी आपके पास अवेलेबल है
वो डाल के खाओ, बहुत अच्छी आइसक्रीम का भी काम करता है। अगर आपको मतलब ऐसे शौक होता है ना लोगों को आइसक्रीम खाने का, मेरे को स्पेशली आइसक्रीम का तो इतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ठंडे चीज़ों का है गर्मियों में कि बना के खाएं, तो ये बहुत अच्छी आइसक्रीम है एक तरीके के। साड़ी मेरे जो दादी जी उन्होंने गिफ्ट की थी, तो ये देखो इस तरीके से है, मुझे बहुत अच्छी लगी वाली साड़ी, ऐसे है ये, बहुत सुंदर लगी मुझे, ये देखो। तो सबको पता है मैं इसी तरीके की साड़ीज़ पहनती हूँ, इसलिए कोई मुझे ना हैवी वर्क वाली साड़ीज़ नहीं देता, कॉटन की या फिर ऐसी प्लेन सिल्क साड़ीज़ मुझे सब लोग गिफ्ट करते हैं बचपन से ही है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनती हूँ हमेशा से, मतलब सिंपल सोबर जो कपड़े होते हैं ना वही मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, तो मैं वही पहनती हूँ बस। अभी और दूसरी दिखाती हूँ मम्मी ने कौन सी दी। तरीके से एम्ब्रॉयडरी वीविंग है ये अंदर साड़ी के फैब्रिक में इस तरीके से, और बहुत सुंदर साड़ी है, साउथ की है ये, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये साड़ी वाली साड़ी दी थी ये इस तरीके से है पूरा, वो भी पैक ही है, इसको खोलती हूँ ये देखो वाली बहुत प्यारी है, एकदम स्मूथ सा फैब्रिक है, ये देखो कितना स्मूथ फैब्रिक है, पतली सी एकदम, समर्स के लिए वेरी वेरी नाइस। तो सूट दिखाया था उसमें थर्ड वाला सूट था वो ये वाला था इस तरीके का, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था मम्मी जी को, जो येलो वाला था वो दे दिया था। पूरा रूम साफ कर दिया है इस तरीके से, रूम साफ किए हुए ना मुझे कोई ज़माना हो गया था, पर मैं बहुत थक गई हूँ ये देखो, तो मतलब बस अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। दिनों बाद मैंने रूम पूरा क्लीन किया है, थक गई अब तो बहुत ज़्यादा, मैं पैर में अलग दर्द हो रहा है, थकान बहुत फील हो रही है अब तो। काम करते करते जाओ फिर भी काम निकल के आ जाता है, थोड़ा ऐसा लगता है अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया उसको भी कर लो। लोग अकेडमी पहुंच गए हैं, और आज ना मेरा जो पैर है वो कल से बहुत ज़्यादा बेटर है, कल परसों तक तो हालत ऐसी ख़राब हो रखी थी, आज बहुत बेटर है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अकेडमी, और वैदिक दीवान करेगा स्केटिंग, मेरी तो एक्सरसाइज स्किप हो रही है इतने दिनों से। अभी हमारा खाना वगैरह डन हो गया, सोने का टाइम है, और वैदिक के लिए मैंने मंगवाया, और देखो चिकू हनुमान जी छोटा सा बेबी है तो। तो ना आज मैंने चिकू के लिए ना ऑर्डर किए हैं 3 सेट्स लोअर और अपर वाले, मतलब जैसे कि ये नहीं होता टी शर्ट और निक्कर टाइप्स, तो वो मैंने ऑर्डर किया है चिकू के लिए, क्योंकि चिकू की नानी ने चिकू को पैसे दिए थे और बोला था इसके लिए कपड़े मंगवा देना, माँ मंगवा नहीं पाई क्योंकि फिर मेरे को इसके हिसाब से कपड़े ले लेती हूँ जो मुझे चूज़ करने होते हैं, तो माँ ने बोला तू अपने चॉइस के ले लेना, तो फिर मैंने अपने इसको आज दिखाकर इसकी चॉइस के कपड़े ऑर्डर कर दिए, और बस आज इसके कपड़े आने वाले हैं। हाँ मेरे बेबी एसी, एसी सबके घर में होता है बेटा, वो देख दा वाओ, मम्मा ट्राई टू दिखाना प्लीज। अच्छा